दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, हर मौसम का अपना कुछ फ़ायदा होता है और कुछ नुकसान होता है। तो जो ये मानसून का मौसम आता है, जो बारिशों का सीज़न आता है, वो हमारे गार्डनिंग के लिए वैसे देखा जाए तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें बस परेशानी ये होती है कि जिन पौधों को कम बारिश पसंद होती है, कई बार वो गल जाते हैं। पर हम इस मौसम बहुत सारे पौधे बना लेते हैं अपने गार्डन में, क्योंकि हमें पौधों की ज़रूरत नित नई पड़ती रहती है। पुराने पौधे हो जाते हैं, कई बार उनकी सेफ ख़राब होती तो नए पौधे बनाने पड़ते। तो मैं आज आपसे दिखाऊंगी कि मैंने इस बारिश के मौसम में कितने सारे पौधे, मानसून में कितने सारे नए पौधे तैयार कर रखे हैं। मैं एक एक करके सब दिखाऊंगी, नाम बताऊंगी। ये देखिए दोस्तों, खूबसूरत ड्रेसिना महात्मा। अगर इसकी क्या होती है कि जब ये बहुत ग्रोथ कर देता है, लंबे हो जाते हैं, तो लंबी लंबी स्टिक पर ऊपर से नीचे पत्ते खत्म हो जाते हैं, ऊपर ही ऊपर। तो मैंने बहुत सारी स्टिक्स को तोड़कर जो है इनको एक साथ लगा दिया है एक छोटे पॉट में। तो नीचे नीचे ही इसके पत्ते काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये काफ़ी मेरा प्लांट देखिए बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा लग रहा है ये प्लांट। इसे कलर कितना देखिए सुंदर आ रहा है। तो इस तरीके से ये जो है एक घना और कई ब्रांचेज वाला प्लांट मेरे पास बन गया है। ये है दूसरों दोस्तों खूबसूरत पेंटाज हमारे। तो पेंटाज के जो प्लांट होते हैं, जब खूब मतलब फ्लावरिंग करते करते वो अनसेप से बड़े बड़े से दिखने जाते हैं, तो हमको नेक्स्ट ईयर के लिए भी चाहिए होते हैं। उसके अलावा साल भर फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है, तो इसकी कटिंग से जो है हम बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने मेरे पास चार वेरायटी के पेंटाज और मैंने चारों की वेरायटी कटिंग मैंने लगा के पॉली बैग में बना लगा रखी है। तो इनको जो है मेरे जो भी पॉट खाली हो जाते हैं, पॉट भी बहुत खाली होते रहते हैं, प्लांट खत्म होते रहते हैं, तो इनमें लगाने के लिए इस तरह से मैंने चारों वैरायटी के पेंटास तैयार कर दिए हैं। और ये देखिए, ये है अब विंटर के लिए चाहिएगा ये हमको पॉन्सीटिया। तो इसकी कटिंग लाई थी, ये रेड कलर वाला है, तो ये पॉन्सीटिया कटिंग रेडी हो गई है। और मैं इसके अलावा देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये बिगोनिया की कितनी बढ़िया कटिंग तैयार हुई है। देखिए कितनी प्यारी सी ये कटिंग, बहुत सुंदर। ये मैं पॉली बैग में लगाना पसंद करती हूँ इन कटिंग को, ये पॉली बैग में ही इन प्लांट की कटिंग मैं रेडी करती हूँ। कोलियस की तो मैं क्या बताऊं, मेरे पास इतने सारे प्लांट तैयार हो गए हैं, मैंने कितने प्लांट उखाड़ उखाड़ के फेंक दिए हैं। तो मैं इनके कुछ मेरे सीड से भी खुद ब खुद बारिश के मौसम में तैयार हो गए। दूसरे जो है मैं इसकी बहुत सारी कटिंग, देखिए इसी पॉट है तो इस पॉट में मेरी कई कटिंग लगी हुई हैं। तो ये सब कटिंग से तैयार प्लांट है। कुछ प्लांट अभी पॉली बैग में लगे हुए हैं, कुछ पॉट में शिफ्ट कर दिए हैं, क्योंकि ये गार्डन में कलरफुल प्लांट के लिए जो फूल भी ना हो तो तब भी सुंदर दिखाई देते हैं, इसलिए कोलियस की तरह तरह के प्लांट मैं तैयार करती रहती हूँ। ये देखिए दोस्तों, खूबसूरत क्रोटन मेरा किस तरह से देखिए, ये पॉली बैग में वेस्ट मटेरियल में ही तैयार करना पसंद करती हूँ। नमकीन का पैकेट है उसमें तैयार हो गया। और इसके ब्रांचेस देखिए आप, ये ऊपर के जो नीचे का हिस्सा मैंने काट के इस पर लगा दिया, ये प्लांट तैयार हो गया एक। क्योंकि ये प्लांट नर्सरी में ले जाते हैं 60-70 रुपये का प्लांट आता है, उसके अलावा बहुत अच्छा घना प्लांट नहीं आता है। तो एक प्लांट ये रेडी कर दिया इसी से। और उसका जो टिप वाला हिस्सा बचा, टिप वाले हिस्से से देखिए आप कितने सुंदर मेरे प्लांट तैयार हुए हैं। तो ये छोटे पॉट में लगाने के लिए क्रोटन के मेरे पास इस तरीके से बहुत सारे प्लांट तैयार हो गए हैं। और ये देखिए, बड़े पत्तों वाले तो मैंने आपको दिखाई थी, तो ये भी मैंने कट, इसमें दो कटिंग लगाई थी, दोनों की दोनों कटिंग मेरी चल गई हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे प्लांट बारिश के मौसम में हम तैयार कर लेते हैं, क्योंकि विंटर में ये प्लांट मेरा मर गया था और मैं नर्सरी से इसको लेके नहीं आई, इस बारिश में मैंने इसको नया कटिंग से तैयार कर दिया है। ये देखिए खूबसूरत मेरे पास फरने का प्लांट है, तो ये फरने के प्लांट जो है बहुत ग्रोथ करते हैं इस समय। तो इसमें से मैंने निकाल कर ये हैंगिंग बास्केट तैयार कर दी है। हैंगिंग बास्केट में एक प्लांट तैयार कर दिया, कितना प्यारा लग रहा है देखिए आप, कितना सुंदर लगता है। इस समय जो है फर्न बहुत ग्रोथ किए होते हैं, तो इनको डिवाइड करने का भी अच्छा समय होता है। ये देखिए, लेंटाना का मदर प्लांट है ये, तो इस पर जो है कुछ सीड बन रहे हैं, कुछ फ्लावरिंग हो रही है, कुछ कटिंग काट के लगा दी। तो लेंटाना का भी ये देखिए नया प्लांट तैयार हो चुका है। तो ये इस तरीके से परमानेंट प्लांट भी हम बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं, मानसून में कर लेते हैं। इसी तरह दोस्तों, ये टिकोमा वगैरह के प्लांट भी बहुत आसानी से तैयार हो गए। ये टिकोमा का देखिए, एक प्लांट ये है और एक प्लांट और मैंने इसका तैयार कर दिया टिकोमा का। ये देखिए, एक ये है पर ये फूलों पर नहीं है अभी, इस पर फूल आ गए हैं। देखिए कितने फूल आए हुए हैं और काफ़ी सुंदर प्लांट होता है ये बेलनुमा प्लांट, ब्लीडिंग हार्ट। और इसकी देखिए खूबसूरती बहुत सुंदर लगती है इस समय। तो ये जो है कटिंग से तैयार हो जाते हैं बहुत आसानी से। अब आप देख लीजिए, ये पॉली बैग में लगे हुए मेरे खूबसूरत, ये देखिए कितना अच्छा से ये पॉली बैग में लगा रखा, सर्फ की थैली में। ये ब्लीडिंग हार्ट का कितना हेल्दी प्लांट है देखिए। तो ये जो है सब ये फ्लावरिंग पर आने वाले हो गए हैं। बेबी टीयर्स वगैरह की तो बहुत सारे प्लांट थे, इसमें किसी को गिफ्ट देने के लिए भी हम इन प्लांट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, और ये देखिए फर्न के मैंने कितने सारे प्लांट बना दिए एक प्लांट से ही। ये देखिए, एक प्लांट ये भी तैयार हो गया है दोस्तों। ये खूबसूरत प्लांट पेंडानस है, तो देखिए इसके बहुत सारे प्लांट निकलते हैं साइड से, बस थोड़ी सी रूट होनी चाहिए उसमें। तो कुछ दिन पहले ये पेंडानस मैंने तैयार कर दिया है, और अभी मैंने एक पेंडानस को निकाल कर
इस तरह से पानी में रख रखा है, तो इसको भी एक नया पॉट दे दूंगी। ये भी काफी सुंदर लगते हैं मुझे, ये परमानेंट प्लांट पेंडानस बहुत ज्यादा पसंद है। इसी तरीके से स्पाइडर प्लांट तेजी से बढ़ते हैं, तो स्पाइडर प्लांट की बहुत सुंदर सुंदर वैरायटी होती है। तो ये देखिए कितनी प्यारी वैरायटी है। तो ये छोटी छोटी बोतलों में मैंने ये नए पेंडानस इसके स्पाइडर प्लांट के नए प्लांट तैयार कर दिए हैं। अब दिखाती हूँ दोस्तों आपको नागचंपा। नागचंपा का एक प्लांट तो मेरा ऐसा है कि जिसकी मैंने ऊपर से कटिंग करी थी, 8-10 कटिंग बनाई थी, वो सब की सब चल गई हैं। इस पॉट पर आपको बहुत सारी कटिंग मिलेंगी मेरी, ये सारी की सारी कटिंग मेरी अभी की नहीं, कुछ दिन पहले की थी, ये सब की सब चल गई थी। ये देखिए ये जो है इस तरह के ग्रो बैग, नर्सरी से जो आते हैं हम प्लांट लेके आते हैं, उसके बाद जो ग्रो बैग खाली होते हैं उसमें देखिए ये मैंने नई कटिंग लगा दी है। दोस्तों ये पेंसिल कैक्टस वगैरह के प्लांट जो होते हैं बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं, तो इनके भी मैंने देखिए कटिंग से नया प्लांट दिखा रही हूँ आपको, नर्सरी बैग में लगे हुए होते हैं, ये भी ये तैयार कर रखा है। ये देखिए गुड़हल के कई प्लांट, कई वैरायटी की कटिंग मैंने एक साथ लगाई और उनमें से मेरी 3-4 वैरायटी कटिंग चल गई हैं। मैंने ऊपर से पिंच करके इनको घना लगाने की कोशिश करी, तो ये जो है चाय के पैकेट में लग गई हैं। देखिए बहुत अच्छे तरीके से कटिंग तैयार हो गई है, तो इनको कहीं पर भी मैं शिफ्ट कर सकती हूँ, अच्छा प्लांट तैयार हो जाएगा। और ये देखिए ये चंपा के प्लांट, ये कटिंग से ही तैयार है प्लांट, देखिए ये रेड कलर का चंपा है, ये देखिए रेड कलर की साबनी खिल रही है, और इसी बगल से जो ये वाइट कलर का लगा पहले लगाया था, तो ये वाइट कलर के जो हैं ये कटिंग से तैयार है, और ये नर्सरी से लाया हुआ प्लांट है। अब दिखाऊंगी मैं आपको ढेर सारी तोरोनिया, मैंने बहुत सारे पॉट में बो दिए क्योंकि ये इतनी आसानी से इनमें जो एरियल रूट्स होती हैं आसानी से नए प्लांट मिले। ये देखिए इस टब में भी तोरोनिया मिलेगा आपको, टूटा हुआ टब है इसमें लगे हुए हैं, यहाँ देखिए सब तोरोनिया हैं, ढेरों तोरोनिया, देखिए आप ये तोरोनिया तोरोनिया के प्लांट हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर आपको जो मेरी पॉट खाली हुए जिनमें जीनिया वगैरह बहुत ज़्यादा प्लांट मेरे ख़राब हो गए, तो उन सब में मैंने तोरोनिया ग्रो कर दिया है। तो तोरोनिया एक जो है बहुत आसानी से तैयार हो जाने वाला प्लांट है। जैसे जैसे प्लांट आपके ख़राब होते जाते हैं तो इसे निकाल के साइड से छोटे छोटे नए प्लांट बनाते रहो, तो इसमें जो है ग्रोथ अच्छी होती रहती है। अब देखिए मेरी आगे की तैयारी देख लीजिए, इसमें देखिए ये सब मेरे जो हैं गिलाडिया के प्लांट कितने सारे जो हैं खुद सीड से ग्रो हुए थे, तो इनसे नए प्लांट बन गए हैं सब। देखिए नर्सरी में ऐसे तो मिलते हैं हमको, तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारे पास जो है दो कलर में, एक रेड वाली कलर और एक दूसरा येलो कलर आता है, दोनों के प्लांट मैक्सिमम इसमें रेड मिलेगा। तो इस तरीके से खुद जमे हुए प्लांट को मैंने पॉट दे दिए, जब उनको उसी में छोड़ते हैं उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करते, अलग से इनको किसी पॉट में अच्छी सॉइल में लगा देते तो अच्छे से ग्रोथ, तो सब पॉली बैग में लगा दिए, समय के बाद जब ये और अच्छी ग्रोथ कर लेंगे तब इनको हम शिफ्ट करेंगे। गिलाडिया के जो प्लांट निकलेंगे मेरे ऐसे निकलेंगे, देखिए कितने सुंदर है, ये रेड कलर निकलेगा और ये येलो कलर निकलेगा। इसी तरह से दोस्तों बिंका के प्लांट, हाइब्रिड वैरायटी के बिंका, वैसे तो आपको बारिश के मौसम में लोगों के यहाँ कमी फ्रेश मिलेंगे, पर मैं इनको बारिश से बचाती थी, तो देखिए मेरे पास काफ़ी अच्छे हैं, अब मैंने इनको ढेरों प्लांट बन चुके हैं मेरे पास। ये देखिए हर प्लांट एक पॉट का इंतजार कर रखा है, सब हाइब्रिड वैरायटी के हैं ये प्लांट, नर्सरी में लेने जाएंगे 20 रुपये से नीचे एक प्लांट नहीं मिलता है, तो ये तो मैंने सारे एक बास्केट में लगा दिए थे, जहाँ जहाँ मुझे मिले, जो भी आपके प्लांट गार्डन में प्लांट उग जाते हैं सेल्फ सीडलिंग से, उनको जो है इस तरह से पॉट देना चाहिए हर जगह। अब देखिए ये मैंने सब नर्सरी पॉट में लगा रखे हैं, बारिश से बचाते हैं इन प्लांट्स को, ढेरों हैं मेरे पास, बहुत सारे तैयार कर रखे हैं मैंने इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों गुलदावरी तो सभी लोगों ने तैयार कर दी होगी, तो ये भी जो है अपने ही घर में कटिंग से तैयार किए, कोई नर्सरी से लाए हुए प्लांट नहीं है। ये देखिए जहाँ ज़्यादा बारिश का पानी पड़ गया थोड़ा ख़राब हो गए हैं, और जो बारिश से बच गए ज़्यादा वो अच्छे चल रहे हैं। बिंका के प्लांट सीडलिंग से तैयार हो ही जाते हैं, साथ ही कटिंग से बहुत अच्छी तैयार हो जाती है, देखिए कटिंग से तैयार प्लांट है, ये देखिए खूबसूरत लॉलीपॉप प्लांट ऐसा है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कटिंग से तैयार हो जाता है, तो इसके ढेरों प्लांट हम बना सकते हैं, साल भर ही फूल देता है हमको। न्यू प्लांट ऐसे परमानेंट प्लांट के तैयार करते रहें, जिससे गार्डन में एक नयापन बना रहता है, हमेशा जो है गार्डन खूबसूरत दिखाई देता है। तो देखिए छोटी छोटी कटिंग लगा लगा के, जैसे ऊपर से जब हम इसको क्रोन करते हैं उन कटिंग को ग्रो कर देना चाहिए, उन सब में ही नए हमारे चल जाती हैं अक्सर। दोस्तों जब मैं बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं लगाती क्योंकि मेरे पास ऐसा बहुत कम प्लांट है जो मेरे पास नहीं है, मैक्सिमम प्लांट है मेरे पास, और उसमें दिखाती हूँ कि ये देखिए कॉस्मोस जो है एक ऐसा प्लांट है कि जो मेरे गार्डन में सैकड़ों की संख्या में इसमें प्लांट तैयार हो गए हैं, मैं कितने उखाड़ चुकी हूँ और कितने लोगों को बांट चुकी हूँ। ये क्योंकि देखिए फूल तो काफ़ी सुंदर है, डबल पेटल वाला फूल है, ऐसा भी नहीं है फूल बेकार है, काफ़ी सुंदर लगता है, तो इसको जो है काफ़ी जिनमें पॉट में कुछ समझ में नहीं आता उन सब में ग्रो कर दिया और काफ़ी सुंदर इसमें फूल खिल रहे हैं। तो कॉस्मोस की ये वैरायटी के साथ साथ जैसे ही थोड़ी सर्दी बढ़ेगी देखिए इसमें मेरे कितने सुंदर फूल खिलेंगे। और लास्ट ईयर मैंने इसके ऑनलाइन बीज मंगाए थे, कितने महंगे 200 रुपये के एक छोटे से कुछ 8-10 बीज आए थे, उसमें से एक दो ग्रो हुए थे, तो उन्हीं का देखिए कमाल, मेरे पास अब ढेरों प्लांट तैयार हो जाएंगे इसके।
इसी तरह से रबर प्लांट, ये भी बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं। तो रबर प्लांट जो है एक खूबसूरत परमानेंट प्लांट होते हैं। ये देखिए, ये सब जो है नए प्लांट है मेरे, इनकी बॉन्साई बनाएं या इनको किसी तरह से लगाएं। ये देखिए, तो ये जो है रबर प्लांट के भी नए प्लांट बहुत तैयार हो चुके हैं। मैं ज़्यादा तैयार नहीं करती हूं, मैं क्या करूंगी इतने सारे प्लांट से। वैसे मेरे जो इस समय बनाए मैंने, क्योंकि मेरे को किसी को गिफ्ट देती हूं, तो तब उसके लिए मैंने बहुत सारे बना दिए थे। देखिए एंजॉय पोथोज, और ये देखिए एक वैरायटी ये है, ये किसी इंसेक्ट का टैक्स है, ज़्यादा बारिश से ऊपर से छिपानी पड़ता रहता है, उससे ख़राब हो गई है थोड़ा सा। तो ये कितने सुंदर प्लांट जो है, ये काफ़ी कॉस्टली प्लांट होते हैं अगर नर्सरी में लेने जाते हैं तो ये भी मैंने कटिंग से ही तैयार कर दिए हैं। देखिए इन मदर प्लांट ये है इसका, एक का मार्बल क्यून का। ये देखिए एक नया प्लांट ये भी ऐड किया है, ये भी कहीं से, मैं इसके मेरे गार्डन का नहीं है, कहीं से लेके आई तो उसके जो है बना दिए। अब इसके दो प्लांट बन जाते हैं, तो इनको दोनों को नया पॉट देंगे, अगर अच्छी सॉइल देंगे तो और अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं प्लांट। तो इस तरीके से ढेरों प्लांट, इंडोर वाले प्लांट हैं, और इसको नर्सरी में जो है 150 से 200 रुपये की रेंज में मिलता है ये प्लांट। ये मौसम ऐसा होता है कि हमारे गार्डन की क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। तो देखिए बॉन्साई बनाने की कोशिश की गई है, 5-6 ब्रांच को मिलाकर जो है, क्योंकि काफ़ी ग्रोथ हो रही है, तो इस समय हम अपने प्लांट में बहुत सारी क्रिएटिविटी करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने सब गिफ्ट वगैरह देने के लिए बना रखे हैं। तो काफ़ी सारे मैंने इसमें जो है जेट प्लांट की बहुत सारी पट कटिंग को एक साथ करके लगा रखा है, तो एक जो है ट्री का लुक आएगा इनमें। और कुछ जो है ये इस तरह से तैयार करने लग गई हूँ, ये देखिए ढेरों प्लांट तैयार है। इसके अलावा हवर्तिया वगैरह के प्लांट जो होते हैं, ये काफ़ी महंगे मिलते हैं नर्सरी में, और अच्छे सुंदर लगते हैं परमानेंट छोटे छोटे पॉट्स में लगाने के लिए। देखिए कितने सारे हवर्तिया तैयार कर दिए हैं जो मदर प्लांट से अलग कर करके। ये है मनी प्लांट की बड़े पत्तों वाली वैरायटी। तो ये जो है वैसे तो ज़मीन में वो लगती है, पर मैंने पॉट में लगाने की कोशिश कर रखी। देखिए कितने बड़े बड़े पत्ते हैं इनके, तो इनको जो है आप देखिए, ये सब सिंगल लीफ से ग्रो कर रही हूँ। ये देखिए ग्रो होने लगे हैं, बहुत बड़े नहीं आएंगे, तब भी अधिकांश जो हमारे घर के पहले से लगाती थी उससे बड़े पत्ते बनने वाले हैं इसके, तो ये भी लगा दिया है। तो दोस्तों इसी से बनाए थे मैंने अपने पेंटाज के। तो मैंने आपको जो है बहुत सारे प्लांट बना रखे हैं, कुछ दिखाए कि जो मैंने ये इस तरह बनाए रखे हैं। तो देखिए ये अच्छे लगते हैं, इस तरह से अपने प्लांट का कलेक्शन इसमें बढ़ता है। जो प्लांट पुराने हो जाते हैं मेरे, इसके देखिए मैंने अलग करा है, तो मदर प्लांट जो था ख़राब हो गया था बारिश से, बारिश में कुछ प्लांट बहुत चल जाते हैं, कुछ मर भी जाते हैं, तो ये सब मैंने नए प्लांट अपने तैयार कर लिए। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।